आज मैं बनाऊंगी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी पंजाबी सब्जी जैन वेज कढ़ाई, जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन जाती है। साथ में वेज कढ़ाई मसाला भी बनाएंगे और ग्रेवी के साथ बनाएंगे, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम वेज कढ़ाई मसाला बनाएंगे। उसके लिए पैन में 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 2 टीस्पून जीरा, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 लवंग, 2 से 3 काली मिर्च और 1 हरी इलायची डाल देंगे। अब सारे मसाले को चम्मच से चलाते हुए स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। मसाले को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्के हल्के रोस्ट करेंगे। मसाले 30 से 40 सेकेंड रोस्ट हो जाने के बाद 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे और इसे भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। देखिए, सारे मसाले हल्के रोस्ट हो चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल देंगे, जो गरम कढ़ाई में रोस्ट हो जाएगी। देखिए, अब सारे मसाले रोस्ट हो जाने के बाद गैस बंद कर देंगे और मसाले हल्के ठंडे हो जाने के बाद छोटे मिक्सर बाउल में डाल देंगे। साथ में 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड करेंगे। आप चाहो तो मसाले रोस्ट करने वक्त 3 से 4 कश्मीरी साबुत लाल मिर्ची भी ऐड करके रोस्ट करके भी मसाला बना सकते हो। देखिए, मसाला क्रश करके तैयार है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 7 से 8 काजू को इस तरह 2 टुकड़ों में करके ले लिया है और 3 से 4 टमाटर को रफली कट कर लिया है। अब छोटे मिक्सर बाउल में पहले काजू को क्रश कर लेंगे और काजू क्रश करने के बाद इसमें जो हमने टमाटर के टुकड़े किए थे उसे हम 2 बैच में क्रश करेंगे। ग्रेवी में काजू की जगह आप चाहो तो 1 टेबलस्पून मगजतरी के बीज भी ले सकते हो, जिससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनेगी। देखिए, क्रश करके तैयार है। अब सब्जी बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी और ऑयल मेल्ट हो जाने के बाद 1/3 कप बारीक कटी हुई कैबेज और 1/3 कप कच्चे केले के टुकड़े ऐड करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए हल्का सौते करेंगे, जिससे कच्चे केले थोड़े पक जाएंगे और कैबेज भी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें 1/2 कप कैप्सिकम के टुकड़े ऐड करेंगे और इसे भी हम हल्का सौते करेंगे। कच्चा केला, कैबेज और कैप्सिकम को इस तरह ऑयल में ही सौते करना है, इसे हमें बॉईल नहीं करना है। अब इसमें 1/3 कप बॉईल किया हुआ मटर ऐड करेंगे और मटर को भी बॉईल करने के बाद इस तरह ऑयल में थोड़ा सौते करेंगे। अब 1/2 कप बॉईल की हुई फ्रेंच बीन्स को भी ऐड करेंगे और इसे भी हम ऑयल में अच्छे से सौते कर लेंगे। साथ में 1/2 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सब्जियों को हमें 1.5 से 2 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह सौते करना है। देखिए, 2 मिनट में सब्जियां हल्की सौते हो गई है। अब इसमें 100 ग्राम पनीर को इस तरह बड़े टुकड़ों में कट करके ऐड करेंगे और इसे भी हम हल्का सौते करेंगे। साथ में जो हमने वेज कढ़ाई मसाला बनाया था वो भी ऐड कर देंगे और सारी सब्जियों को मसालों से कोट कर लेंगे। पनीर इस तरह लास्ट में ही ऐड करेंगे। देखिए, सारी सब्जी और पनीर मसालों से कोट हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और ग्रेवी बनाने के लिए दूसरे पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और 1 टीस्पून घी डाल देंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी हम स्लो फ्लेम पर हल्का सौते कर देंगे और जो टमाटर और काजू को क्रश करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 1.5 से 2 मिनट के बाद जो हमने सब्जियां सौते करके रखी थी वो सारी सब्जियां ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। टमाटर और काजू की ग्रेवी को इस तरह अलग से ही पकाना है। सब्जियां के साथ ऐड करके फिर पकाएंगे तो सब्जियां ज़्यादा गल जाएगी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। चम्मच से चलाते हुए मलाई को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, सब मिक्स हो गया है। अब सब्जी को ढककर 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। 1.5 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। देखिए, सब्जी और ग्रेवी अच्छे से पक गई है और सब्जी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और सब्जी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। सब्जी में इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर सब्जी ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो
एक से दो टेबलस्पून जितना गर्म पानी ऐड करेंगे। अब इसमें दो टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी बनकर तैयार है और सब्जी की फाइनल कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अब गैस बंद कर देंगे और सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल जैन वेज कढ़ाई बनकर रेडी है। घर पर वेज कढ़ाई मसाला बनाकर रिच ग्रेवी के साथ सब्जी बनाई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी डिनर के लिए वेज कढ़ाई एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, बच्चों से लेकर बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।